पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। साथियों, दो देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हमारा देश, हमारी आस्था, इनका इतना घोर अपमान ये देश सह नहीं सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं? आपका आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा इस समय घमंड या गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में, बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा, और केवल कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है। और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सिर्फ अपना हित, यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित, वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया,
संविधान को बंधक बनाया, इस इंडियन लाइन्स के लोगों ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। भाजपा ने देश को दलित राष्ट्रपति दिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, लेकिन इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गठबंधन वालों ने पूरी ताकत लगा दी। अब 19 अप्रैल को शोषितों वंचितों के ऐसे विरोधियों के साथ क्या करना है आपको पता है ना? 19 अप्रैल को क्या करना है पता है ना? पता है ना? अपने यहां राजस्थान में कहते हैं अकल मन ने इशारो ही गणो। साथियों, चूरू में भाई देवेंद्र जांजड़िया जी, झुंझुनू में शुभकरण चौधरी जी, सीकर में स्वामी सुवेदानंद सरस्वती जी, मैं आज आपके पास उन सब के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं आज बता देना चाहता हूं, चूरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा देवेंद्र के साथ मेरा बहुत पुराना निकट नाता रहा है। और जब मैं देवेंद्र को पहली बार मिला, जब मैंने उसकी मां की बातें सुनी, मेरे मन को छू गया कि मेरे देश की आन बान के शान के लिए शेखावटी की गरीब मां, अनपढ़ मां, अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है, लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मां प्रेरित करती है। और देवेंद्र भी गरीबी की परवाह किए बिना जी जान से जुट करके भारत का सम्मान बढ़ाया है। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान के खेल जगत के बेटे बेटियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि आपका खेल का कार्यकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिंबल ये हमारा देवेंद्र है। और इसलिए मैं चूरू वासियों से विशेष रूप से ऐसा गरीबी से ही लड़ा, ऐसा नहीं, दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया, ऐसे मेरे साथी को चाहे वो चूरू हो, झुंझुनू हो या सीकर हो, आप भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा जी। गर्मी कितनी क्यों न हो, मतदान पूरा होगा कि गर्मी के कारण मतदान कम होगा ऐसा नहीं होगा ना? घर घर जाएंगे, माताओं बहनों को मेरी बात बताएंगे, चुनाव जीतने के लिए मतदान करेंगे,
अच्छा मेरा एक और काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है करेंगे, घर घर जाकर कहना कि हमारे मोदी जी चुरू आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मैं यहां भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं, सार्वजनिक रूप से कभी कभी करना पड़ता है। ऐसा है कि चुनाव का समय है, हर किसी के जिम्मे बहुत सारा काम है, लेकिन इनको मन में रहता है कि प्रधानमंत्री जी आए,